राजधानी जयपुर के दुर्गापुरा स्थित गायत्री नगर में रविवार को विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मनोकामनेश्वर महादेव मंदिर में समता युवा संघ की ओर से लगाए गए शिविर में सैकड़ों लोगों ने निःशुल्क जांच कराई और रक्तदान कर लोगों से इस दिशा में आगे आने की अपील की। इस मौके पर राज्य सरकार में गृह मंत्रालय के विशेष सहायक महेंद्र कुमार पारख, होम्योपैथिक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर कमलेंद्र त्यागी और असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमावत भी मौजूद रहे। शिविर में जरूरतमंदों पर कई तरह की जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर यहाँ जैन समाज के तरफ से हो रहा है, इसमें मैं कुछ लोगों से दानदाताओं से मिला, रक्तदानदाताओं से, तो कुछ ने 5-6 बार पहले किया है, एक दो ऐसे भी थे जिन्होंने दूसरी बार किया है। तो बेसिकली ये है कि लोगों में ये एक गलत अवधारणा है कि अगर रक्तदान किया तो कुछ कमजोरी आ जाएगी। विद इन 24 आवर्स वापस खून अपने आप शरीर में बन जाता है, लेकिन अगर ये रक्तदान की प्रवृत्ति जिस तरह से ये समाज में शिविर के माध्यम से लोगों में जागरूकता भी आती है, दूसरी तरफ इसके प्रति भावना उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, यहाँ सामने लिखा है कि एक व्यक्ति ने यदि रक्तदान किया तो 3 लोगों की जान बचा सकता है। ये जो समता युवा संघ अंतर्गत साधु मार्गी संघ जयपुर के द्वारा रक्तदान शिविर है, ये पूज्य आचार्य भगवान 1008 श्री नाना लाल जी महाराज साहब के पुण्यस्मरण पुण्य दिवस और पूज्य आचार्य भगवान रामलाल जी महाराज साहब के चादर महोत्सव के दिवस पे आयोजित किया जा रहा है। ये अखिल भारतीय लेवल पर हो रहा है और ये जो रक्तदान है हम समता युवा संघ जयपुर द्वारा पिछले 9 सालों से लगाया जा रहा है और प्रति वर्ष हमारे यहाँ पर ब्लड यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। हमने जब शुरुआत करी थी तो ये कुछ 100-125 यूनिट्स हुआ था और हम आगे जाकर ये 200-250 यूनिट्स के आसपास चल गया। आज हमारा टारगेट लगभग 300 यूनिट्स कवर करने का है।